हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ मनोज वर्मा और इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल चीज लेके आया हूँ। काफी लोगों की रिक्वायरमेंट थी, वो उनका कहना था कि वो पीसी को ऑन नहीं रख सकते या वो मोबाइल पे ऑन नहीं रह सकते, तो इसके लिए उन्हें वीपीएस लेना पड़ेगा क्या। एंड आपको पता ही है, कोई भी एल्गो ट्रेडिंग के लिए वीपीएस कंपलसरी होता है एंड वीपीएस का ही चार्ज 1000 से 1500 रुपये होता है। तो मैंने आपकी इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक चीज करी है एंड मैं उसका आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा और ये टोटली आपके लिए फ्री करी है। इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, पहले मैं अपना सेटअप दिखा देता हूँ। सेटअप मैंने पूरा पहले से क्रिएट करके रखा है जिससे मेरे को ज्यादा टाइम ना लेना पड़े आपका, जब भी ये 10 से 15 मिनट की वीडियो बन जाएगी, बट ये आपके काम। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेवल अकाउंट पे। तो मैंने पहले ही अपना यहाँ लॉग इन करके अपनी एपीआई को कनेक्ट कर लिया है, जिसके अंदर विथ इन 1 मिनट लगता है, 1 मिनट से भी कम लगता है। आप लॉग इन करोगे और एपीआई को कनेक्ट करोगे तो 1 मिनट लगता है। वो चीजें मैंने पहले कर ली है। उसके बाद मैंने एक्सचेंज पे दो सिंबल लगाए, मतलब दो स्क्रिप्ट लगाई है, एक विदांता लगाई है। विदांता के अंदर मैंने क्या करा है, एक इंडिकेटर लगाया है जो कि मैंने i7 के नाम से बनाया है। इसका काम क्या है कि ये हाइकन हसी पे चलता है, फर्स्ट ग्रीन पे बाय करता है एंड फर्स्ट रेड पे सेल करता है, मतलब ग्रीन टू रेड पे सेल करता है। अभी इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने बिल्कुल एक्यूरेट नहीं रखी, तो इसलिए एल का मतलब बाय है, एस का मतलब सेल है। तो इसके अंदर मैंने एक स्क्रिप्ट लगाई है कि जब ये बाय करेगा एंड उसके बाद सेल का सिग्नल आएगा तो पुरानी पोजीशन को क्लोज करेगा एंड फिर शॉर्ट करेगा। तो ये स्क्रिप्ट तो मार्केट प्राइस पे चलेगी एंड ये कवर ऑर्डर के अंदर मैंने लगा रखी है। एंड दूसरी स्क्रिप्ट मैंने लगाई है ग्रॉस मार्जिन, ये मैंने लगा रखी है आईसीओ पे। एंड इसके अंदर मैंने क्या कर रखा है, हर मिनट में जो कैंडल ओपन होती है उसके अंदर ये मैं चाहता तो ये मार्केट प्राइस पे भी बाय करवा देता, पर मैंने इसमें लिमिट ऑर्डर लगा रखा है कि हर मिनट की कैंडल पे ये लिमिट ऑर्डर लगाएगा एंड पुराने ऑर्डर को जो इनने लगाया उसे कैंसिल करेगा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया तो लास्ट में समझा दूंगा। अभी के लिए हम सेटअप को चालू करते हैं और देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। तो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूं, मैंने तीन कमांड बना रखी, तीनों को अभी ऑफ कर रखा है। पहले मैं तीनों को ऑन कर दूं, 1, 2 एंड 3। तीनों को ऑन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ वेब हुक पे क्लिक करा, अपनी एक्सचेंज की एपीआई डाली एंड सेव करा, फिर से मैंने ऐसा करा एंड सेव करा, एंड फिर से मैंने ऐसा करा एंड सेव करा। अब आप देख सकते हो ये तीनों के तीनों यहां पर ग्रीन हो गए, तो अब ये चलने लग गए हैं। एंड विदांतन में एक कमांड भी आ गई है, ये आप देख सकते हो शॉर्ट करा इनने आई थिंक। हम एक्सचेंज पे चलते हैं, एक्सचेंज पे चलने के बाद हम यहां देखते हैं, तो यहां पर आप देखोगे कि इनने शॉर्ट कर दिया है, शॉर्ट करा है या लॉन्ग करा है, आई थिंक मेरे को समझ नहीं आ रहा, एक बार हम देख लेते हैं। सिग्नल तो शॉर्ट का आया है और बाय का सिग्नल दिखा रहा है, लगता है मैंने कोड गलत डाल दिया। एक बार मैं यहाँ देख लेता हूँ, तो मैंने यहाँ लिखा है शॉर्ट और कोडिंग के अंदर मैंने क्या डाला है, कोडिंग के अंदर मैं देख लेता हूँ, कोडिंग के अंदर मैंने डाला है सॉरी क्वांटिटी, हाँ कोडिंग के अंदर मैंने बाय का कोड डाल दिया आई थिंक। एंड ऊपर वाली कोडिंग के अंदर देखूँ तो ऊपर वाली कोडिंग के अंदर लॉन्ग के अंदर भी बाय का कोड डाला, एक कोड गलत हो गया एंड इसको मेरे को सही करना पड़ेगा। तो मैं एक बार के लिए क्या करता हूँ, दोबारा से इधर चलता हूँ, मैंने क्या कर दिया बाय का कोड बना के डाल दिया बाय मिस्टेक, एंड उसके अंदर मुझे सेल का कोड डालना था तो सेल का सिग्नल आया तो बाय हो गया। तो कोई नहीं, इस चीज को हम करेक्ट कर लेते हैं। इधर गए, कवर ऑर्डर लिया, विदांता लिया, फुल्ली ऑटोमेशन का लगा रहा हूँ, आपको इससे सीखने को भी मिल जाएगा। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो डाली, एनएससी लिया, एक क्वांटिटी बाय सेल करना चाहता हूँ, सेल पे सिलेक्ट करा, मार्केट ऑर्डर करा, एसएल जो है हमारा 1 रुपए का, जनरेट कोड, अभी मेरा सेल कोड जनरेट हो गया। मैंने इसे यहां से कॉपी बटन से कॉपी करा, यहां गया, यहां जाने के बाद मैंने देखा किस पे मैंने शॉर्ट की कमांड लगाई थी, तो ये शॉर्ट की कमांड लगाई थी मैंने i7 में, जो मतलब मैंने बताया हाइकन हसी पे चलता है, रेड पे सेल करता है, और इसे मैंने सेव करके सेव कर दिया। अब क्या है कि अब जो भी सिग्नल आएंगे अब हिसाब से आएंगे, तो अभी हम देखते हैं जो भी ऑर्डर लगा हम उसे भूल जाते हैं कि क्या ऑर्डर लगा था, मैं इसे कैंसिल ही कर देता हूं। ये मैंने कैंसिल कर दिया एंड कैंसिल करने के बाद एक सेकेंड, हाँ अब यहाँ कोई ऑर्डर नहीं है। तो आप देख सकते हो मैंने कमांड लगा दी और सिग्नल एक आया था जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है आपको दिखाने के लिए, मुझे करना था जैसे कि मैं बता रहा था कि हमारे ऑर्डर सारी चीजें बंद करने पे भी आएंगे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाके अपनी वेबसाइट को बंद कर देता हूँ आपके सामने, ये मैंने बंद कर दिया। उसके बाद मैं ट्रेडिंग व्यू को भी बंद कर देता हूँ। एक बार मैं इधर देख लूँ, ये मैंने जो कमांड लगा रखी है आईसीओ में ये किस पे लगा रखी है, एक बार चेक कर लूँ मैं, कहीं मैंने गलत तो नहीं लगा रखी, हाँ ये गलत लगा रखी है, इसको सही कर देता हूँ। पहले मैं इसे मैंने ग्रोस मार्जिन पे लगाया था, बोथ साइड वंस पर बार क्लोज, अब ये कोड बिल्कुल सही हो गया एंड सेव। अब मैं ट्रेडिंग व्यू को भी बंद कर देता हूँ
एंड खाली मैं अभी इसको खोल के रखा हुआ है, किसको खोल के रखा हुआ है, फायर्स को खोल के रखा हुआ, वो भी मैंने देखने के लिए, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि सारी चीजें बंद है तो ऑर्डर लग रहे हैं। तो आप चाहो तो फायर्स को भी बंद कर सकते हो, एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। तो अब क्या है, एक तो हर मिनट में ऑर्डर आएगा जो कि एक क्या नाम कहते हैं उसे, लिमिट ऑर्डर होगा जो कि आईसीओ में आएगा, आई थिंक हर मिनट में एक आईसीओ में ऑर्डर आएगा। और वेदांता में तो मैंने कमांड लिखी है कि ग्रीन आए हाइकनसी की, फर्स्ट ग्रीन आए तो बाय हो जाए और सेकंड ग्रीन आए तो सेल हो जाए पुरानी ट्रेडिंग को क्लोज करके। तो अभी हमने सारी चीजें बंद कर दी है और देखते हैं कि हमारा जो वीपीएस है वो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। मतलब हमने, आपको कोई वीपीएस नहीं लेना, जो हमने अपने सर्वर की सेटिंग कर रखी है वो वर्क कर रही है नहीं कर रही। तो ये देखिए एक आईसीओ का एक ऑर्डर आ गया, आप देख सकते हो हमने फायर्स भी बंद कर सॉरी अपनी साइट भी बंद कर रखी है और ट्रेडिंग व्यू भी बंद कर रखा, पर हमारे अलर्ट्स वहां पर ऑन है, जो हमने कंडीशन लगाई थी वो ऑन है। ये आईसीओ का ऑर्डर मैंने फिर से बता दे रहा हूं, मैंने ये लगाया था कि हर मिनट की कैंडल के ओपन पे, सॉरी हर मिनट की कैंडल के क्लोज पे ओपन पे, मैं भूल ही गया क्या लगाया था, मतलब हर मिनट की कैंडल जो भी होगी उसके अंदर ये ₹1 नीचे ऑर्डर लगाएगा। तो अगर मैं इस स्टॉक पे जाता हूं तो इस स्टॉक का प्राइस अभी दिख जाएगा, इधर एक सेकेंड लगेगा, एक फोन आ गया सॉरी। तो मैं स्टॉक पे जाता हूं तो स्टॉक पे आप देखोगे 105 चल 110 चल रहा है और 109 पे बिड लगाई, और अगर 1 मिनट के अंदर ये ऑर्डर फिल अप नहीं हुआ तो इसे ये कैंसिल करेगा और दोबारा से लगाएगा। तो वो सारी चीजें मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, पर ये चीज आपको मैं बता दूं, फायर्स में एक प्रॉब्लम है कि कई बार रिफ्रेश करना होता पर बैकहेंड में ऑर्डर लग जाते, तो मेरे को मिनट मिनट में रिफ्रेश करके यहां से चेक करना पड़ेगा कि मेरे ऑर्डर आ रहे नहीं आ रहे। देखो जैसे रिफ्रेश करा तो एक ऑर्डर आ गया, वेदांता ने सेल करा है, वहां सेल का सिग्नल आया होगा, तो पुरानी पोजिशन को उनने क्लोज करा और नई पोजिशन से सेल करा। एंड यहां देखें तो पोजीशन नहीं, कुछ हुआ तो है पर अब मेरे को समझ नहीं आया, इधर ये लिखा हुआ आया था एंड ऐसे थोड़ा सा समझ नहीं आता कि हमने क्या करा है क्या नहीं करा, पर हमें ये इतना पता, हमने दो कंडीशन बनाई थी, दो अलग अलग सिंबल पे वो वर्क कर रही है। तो मेरा मेन मोटिव ये था कि आपको दिखाना, और मैं अभी 5 मिनट तक आपको दिखाऊंगा, फिर से मैं रिफ्रेश कर देता हूं एंड रिफ्रेश करके देखते हैं कि हाँ देखिए फिर से मेरा एक ऑर्डर आ गया एंड ये ऑर्डर आया फिर से बाय का, जैसे मैंने आपको बताया था हर मिनट में मेरा ऑर्डर आएगा आईसीओ के अंदर, पर मैंने इसके अंदर एक कोड लगाया था जिसके अंदर मैंने ये कोड लगाया था कि पुरानी पोजीशन को क्लोज करें नई पोजीशन ले, तो इनने ऐसा क्यों नहीं करा वो भी समझ नहीं आ रहा एंड मेरे को चेक करना पड़ेगा, चेक करने के लिए फिर से मेरे को ट्रेडिंग व्यू ओपन करना पड़ेगा। तो चलो उसे तो रहने देता हूँ, हो सकता है मेरे कमांड के अंदर जो कैंसिल ऑर्डर है वो गलत लगा दिया हो कि पुरानी सॉरी पुरानी पोजीशन को क्लोज ना करे, जो भी पुरानी बिड है उसे क्लोज करे। ये देखिए दोबारा से इनने ऑर्डर लगा दिया। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये बता रहा था कि आपने देखा होगा कि आप ऑटोमेशन ट्रेडिंग करने जाते हो तो जो भी आपसे ऑटोमेशन कराते हैं वो 1000 से 1500 रुपये तो आपसे क्लाउड के ले लेते हैं कि हाँ भाई क्लाउड भी आप यूज कर सकते हो हमारे सर्वर के लिए, आपको इसका एक्स्ट्रा चार्ज देना है। और मैं 499 में आपको ट्रेडिंग करा रहा हूं विदाउट आपसे क्लाउड चार्ज लिए, अब क्या बच्चे की जान लोगे आप? ये बताओ, और क्या चाहते हो कि मैं हाँ इसके अंदर और क्या इंप्रूवमेंट करूं? आपको क्लाउड दे रहा हूं, बिल्कुल ट्रेडिंग सिस्टम दे रहा हूं कि आप टेक्निकल ट्रेडिंग कर सको, प्लस इंडिकेटर भी शेयर कर रहा हूं। तो बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं जिससे कि आप एडवांस लेवल की ट्रेडिंग कर पाओ। तो काफी लोग होते हैं डायरेक्ट कॉल करते हैं मुझसे, पूछते हैं कि सर आपका जो बॉट है उसका प्राइस क्या है, तो मैं 499 बताता हूं, तो 499 बताते उनका मुंह उतर जाता है एंड सोचते हैं इतना सस्ता मिल रहा है, इट्स मीन इसके अंदर कुछ भी मतलब जान नहीं है। बट मैं उनसे ये कहना चाहता हूं एक बार यूज करके देखिए, देन आपको पता चलेगा कि हाँ जो हमारा सिस्टम है, अगर आप इसको 10,000 रुपये में 15,000 रुपये में भी बाय करते तो आपको ऐसा सिस्टम नहीं मिलेगा जो हम आपको 499 रुपीज में दे रहे हैं, जिसके अंदर 499 हमारे बॉट का चार्ज है। अगर आप ट्रायल अकाउंट ट्रेडिंग व्यू का यूज करते हो तो वो फ्री, अदरवाइज आप वो भी हमसे परचेज कर सकते हो जिसका हम चार्ज अब ₹150 ले रहे हैं, पहले ₹100 ले रहे थे, अब मोबाइल वेरिफिकेशन आ गया तो जो बंदा उस अकाउंट को सेल करता था उनने ₹50 एक्स्ट्रा कर दिया, तो ₹150 चार्ज ले रहे हैं, जिसके अंदर आपको प्रो प्लस अकाउंट ट्रेडिंग व्यू का मिलता है, प्लस फायर तो API फ्री देता है। इट्स मीन कि आप जो ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो फायर्स पे, जो एल्गो ट्रेडिंग है वो 650 में स्टार्ट कर सकते हो। अगर जरोधा पे जाते हो तो ₹2000 आपको जरोधा को एक्स्ट्रा API के देने पड़ते हैं, प्लस आप फायर अपस्टॉक पे जाते हो तो ₹850 आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, और उसके बाद भी अभी वो न्यू यूजर को API नहीं दे रहे, बट हमारा सिस्टम अप स्टॉक पे भी वर्क कर रहा है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। ये देखिए 5 ऑर्डर हो गए आपके सामने होते जा रहे हैं और मैं बात करते जा रहा हूं। अगर मैं ट्रेडिंग व्यू अपने एक्सचेंज को भी बंद कर दूंगा उसके बाद भी मेरे पास ऑर्डर आएंगे,
तो कहने का मतलब ये है, सुबह आपने बस अपने बोर्ड को कनेक्ट करा, हमारी वेबसाइट पे गए, लॉगिन करा, लॉगिन करने के बाद आपने अपनी कंडीशन को ऑन करा और सब कुछ बंद कर दिया। शाम को आके देखते हो जो भी आपकी कंडीशन थी उस पर ट्रेड हो रही है। तो ये चीज मैं आपको न्यू बताई है कि अब आपको ना मोबाइल ऑन रखने की जरूरत है, ना आपको पीसी ऑन रखने की जरूरत है। पीसी को शट डाउन करो, मोबाइल को जेब में डालो और आप अपनी ट्रेड कर सकते हो। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि मैंने क्या कैसे करा है। अच्छा, 6 ऑर्डर लग गए, थोड़ा सा कैंसिल कर दूं, क्योंकि फंड है नहीं, अगर आगे के ऑर्डर लगेंगे नहीं तो मैं अभी कैंसिल कर देता हूं। और इससे पहले भी मैं आपको बता रहा था, मैंने इसमें जो सॉरी गलती से मैंने विदांता को ले लिया, विदांता को ना कैंसिल करते हुए आईसीओ को करता हूं। 1 मिनट, तो एक बार मैं पेज को रिफ्रेश कर देता हूं आपके सामने। ये मैंने पेज को रिफ्रेश करा एंड देखते हैं कि कितने कैंसिल हुए। तो अभी आईसीओ के 2 ऑर्डर हैं एंड ऑर्डर आए जा रहे हैं, जो भी कंडीशन लगाई थी। एंड मैंने हो सकता है गलत कंडीशन भी लगा दी हो, क्योंकि मैं बहुत जल्दी सेटअप बना रहा था, कंडीशन भी मैंने आपको नहीं दिखाई बनाते हुए, क्योंकि मैं सोच रहा था वीडियो शॉर्ट में बने। बट इन शॉर्ट मैं अब आपको यही कहूंगा कि आपको ना क्लाउड लेने की जरूरत है, ना ही वीपीएन लेने की जरूरत है। एंड आपको मैं एक बार और चीज दिखा देता हूँ, ये हमारी वेबसाइट सॉरी ये हमारा यूट्यूब चैनल है। इधर हमने जितनी भी वीडियो होती है एज अ बिगनर की, ऑटोमेशन ट्रेडिंग कैसे करें, उसके ऊपर वीडियो डाल रखी। लास्ट वीडियो जो डाली थी मैंने ये डाली थी, फ्यूचर पे, ऑप्शन पे, एमसीएक्स पे कैसे काम करें फायर्स के अंदर। काफी लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी कि वहां ऑर्डर कैसे लगते हैं। फिर मैंने इससे पहले वीडियो डाली थी कि सेंटेक्स जनरेट कैसे करें। तो सारी वीडियो मिल जाएगी, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, हम चीजों को समझना पड़ेगा, आप इजली ऑर्डर लगा सकते हो। एक बार मैं फिर से रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको, जैसे मैं रिफ्रेश करा तो ये ऑर्डर आ गए। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, जैसे मैं आपको लग रहा है कि मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ जब ऑर्डर आ रहे हैं, तो ये बैकहेंड में लगे हुए हैं, पर ये फायर्स की कई बार प्रॉब्लम होती है कि ये ऑर्डर को दिखाता नहीं। देखो अभी तो इनने खुद ही दिखा दिया, पर कई बार होता है कि ऑर्डर को दिखाता नहीं। मोस्टली रिजेक्ट ऑर्डर में तो रिफ्रेश करना ही करना होता है, जब तक आप रिफ्रेश नहीं करोगे तो मेरे को तो रिजेक्ट ऑर्डर दिखता नहीं। तो ये फायर्स के सर्वर की प्रॉब्लम है, बट बैक एंड में ऑर्डर लग गया है, आपकी कोई क्वांटिटी आई और ऑर्डर लग गया, दिख नहीं रहा, तो इट्स मीन ये नहीं कि आपका ऑर्डर नहीं लगा, वो प्राइस आएगा तो आपको मिल जाएगा। तो ये अभी हमारी जो मेन कमांड चल रही है, आईसीओ वाली चल रही है, आईओसी वाली चल रही है, इट्स मीन कि 1 रुपए नीचे हर मिनट हमारी बिड लगे। तो 4 बिड लग गई, दोबारा से मैं 2 कैंसिल कर देता हूं एंड मैं फायर्स को भी बंद कर दूंगा। रिपीट कर रहा हूं मैं एक बार बात फिर से, मैं अगर फायर्स को भी बंद कर दूंगा उसके बाद भी हमारे ऑर्डर आएंगे। फायर्स मैंने इसलिए खोल रखा, अगर मैं बंद कर देता तो आपको पता कैसे चलता कि ऑर्डर आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो बहुत ही ईजी है एंड इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एंड फिर भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। एनी डेक्स डाउनलोड करने के बाद आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यू आ रहा है बोर्ड से रिलेटेड, आप मुझे कॉल करोगे, मैं एनी डेक्स पे आके उस चीज को फिक्स करूंगा। और आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर से मैं अपनी वेबसाइट दिखा देता हूँ, ऑर्डर तो आते रहेंगे, तो मैं ये खोलता हूँ नेक्स्ट लेवल बोर्ड। एंड नेक्स्ट लेवल बोर्ड पे आपको दिखा दूं, कोई भी हम क्लाउड का चार्ज नहीं ले रहे एंड ना ही हम वीपीएस वगैरह किसी चीज का चार्ज नहीं ले रहे। 499 में हमारा आपको टूल मिल रहा है एंड जो कि प्रॉपर ही वेब वर्जन में है। काफी लोग पूछते हैं कि सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना, आपको हमारी वेबसाइट पे अकाउंट बनाना है, पेमेंट करनी है, आपका बोर्ड चल जाएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती तो आप हमें बता सकते हो। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट यही था कि 499 में तो आपको कोई क्लाउड भी नहीं देता, इधर आपको पूरा का पूरा बोर्ड मिल रहा है, वो भी फुल्ली ऑटोमेशन, सेमी ऑटोमेशन, जैसे मर्जी आप यूज करो। एंड प्लस आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिल रही है वहां, ऐसे ऐसे इंडिकेटर बने बने रखे हैं ट्रेडिंग व्यू पे, अगर आप यूज करोगे तो आपको पता चलेगा, बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे इंडिकेटर बने हुए, जिनके लोग 10-10 हजार रुपए चार्ज ले लेते हैं कि हम आपको स्ट्रैटेजी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट यही है कि आपके बजट में बोर्ड बना रखा, आप एक बार इसे यूज करके देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर जरूर करिए।